ये हमारे गांधी सेना के कैंडिडेट हैं जाहिद गांधी साहब, ये एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीतने के बाद ये इसी तरह पूरी मिलेंगे। उसके बकेट में डालो। बस बस, कोई लीडर ऐसा मिलेगा नहीं जो इनका काम करेगा, है कि नहीं? वोट फॉर बैट, कैंडिडेट हैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से, और गांधी सेना आपकी पुरानी तंजीम है जिसने शहर में बहुत सारे काम किए हैं और आज भी आप फलाही कामों में बड़े तेज रफ्तारी से काम करते हैं। और अभी हमने कुछ नमूना देखा कि आप जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ आपने काम भी किया और उन लोगों के हालात भी मालूम किए। तो उद्देश्य क्या है आपका इलेक्शन लड़ने का? मेरा उद्देश्य ये, सबसे पहले तो मैं गांधी सेना की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का होने वाला डिपार्टमेंटल संगठन है और रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल, तो मजबूरी में आधार से हमको फार्म भरना पड़ा जी। सबसे पहला मकसद है गांधी सेना को गवर्नमेंट में डिपार्टमेंटल शक्ल देना, वहाँ पहुँच कर। गांधी सेना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को, कि जैसे हुमैनी के नाम से 50,004 ईरान में जो हुमैनी के विचारों पर रख करती है, हथियार लेके नहीं चलती है, ऐसी मेरे बाप का देश है तो मेरे बाप के नाम से डिपार्टमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का, उसका बाकायदा मंत्री होना चाहिए और उनके विचारों के लिए कम से कम 200,000 आदमी पूरे भारत में मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने बाप कहा तो क्या गांधी को रूहानी बाप मानते हैं आप? हाँ, पूरे भारत के लोगों को रूहानी बाप बोलना ही चाहिए गांधी को जी जी, शिक्षा गांधी को। हाँ, तो हमारे बाप हमारे डैडी है जी जी, और हमारे बाप के देश में ये फालतू लोग जो है आते हैं, क्या नाम है बोलते हैं, जो आर्टिकल 47 का उल्लंघन करते हैं, नशे की खेती, मोरपच्ची, ट्रेडिंग गैर कानूनी है, हमारे बाबा साहब ने बोला वो कहते। लेकिन मेरा ये बोलना है कि इतना स्ट्रॉन्ग ये संविधान है कि किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, IAS IPS ऑफिसर लोग, कुरान शरीफ भी लिखा है, इकरा बिस्मिल्लाह बिकल्लज़ी खलक, इकरा पढ़, पढ़े लिखे लोग संगठन चला रहे हैं। इस भारत के संविधान को किसी से कोई खतरा नहीं है, ये सियासी स्टंट है, ये प्रोपेगेंडा है। एक तरफ इस्लाम के नाम पे लोगों को मोटिवेशन किया जा रहा है, एक तरफ हिंदुत्व के नाम पे मोटिवेशन किया जा रहा है, जबकि मुद्दों पर लड़ाई होना चाहिए मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ। ये जो 400 पार का नारा है, इस बुनियाद पे लोग कह रहे हैं कि ये अगर 400 पार कर लेंगे तो आइन में तरमीम करेंगे, तो आइन खतरे में नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल खतरे में नहीं है, 400 पार होएगा ही नहीं, वो अलग बात है, होएगा नहीं, लेकिन इनकी कोशिश है ना 400 पार करने की, और अक्सरियत जब अपोजिशन रहेगी नहीं तो फिर वो कुछ भी कानून, अभी तक उन्होंने बहुत से कानून पास कर लिए, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ वे जाके कर ली। अब मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ, मेरी बच्ची IAS का एग्जाम दे रही है, एग्जाम दे चुकी है और बहुत सारे पेपर दे रही है, उसको मैं देखता हूँ, इतना पढ़ती बेचारी, इतना पढ़ती है, अभी IAS बनी नहीं है। उसके पढ़ाई को देखकर मेरा ऐसा कहना है कि इतने सारे IPS IAS ऑफिसर पढ़े लिखे लोग गधे नहीं है, वो बहुत ही दिमाग रखते हैं और बड़े प्यार से बोलते नहीं है लेकिन टन देते हैं जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी राहुल से बैर नहीं, काले अंग्रेजों की खैर नहीं। अच्छा, काले अंग्रेज है ना, उनसे हमें लड़ना है। अच्छा, हमें आजादी की लड़ाई किससे लड़नी? काले सेना जिंदाबाद, 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 गांधी सेना जिंदाबाद, 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 गांधी सेना जिंदाबाद। वोट फॉर बैट, वोट फॉर बैट, वोट फॉर बैट। हर काम के लिए आपसे पैसा मांगेंगे। अच्छा, हर काम के लिए पैसा मांगने वाले काले अंग्रेज। बिना पैसे से काम नहीं करेंगे जी जी, बिना पैसे से काम नहीं करेंगे। बराबर, समाज का काम बिना पैसे से होना चाहिए। 95 लाख रुपया खर्चा है, मैं डब्बा लेके भीख मांगता हूँ लोगों के दरमियान, पैसा मांगता हूँ और वो पैसा खर्चा करता हूँ, और इतना सारा जो खर्चा दिख रहा है, ये खर्चा जाहिर सी बात है कहीं और से आके कहीं और जा रहा है, ये पेपर पे नहीं है, ये पेपर पे नहीं है। बराबर, तो ये काले अंग्रेज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही अलग अंदाज में अपनी पॉलिसी बताई और आपका काम भी शहर के लोगों को मालूम है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जीत के अमकिनार को करेंगे लोग। मैं अगर जीत गया सिलाई मशीन या चिन्ना सामग्री बटन हमारा, हमारी जो कैंपेनिंग के सामने कंपनी ने बाकायदा लेटर दिया, हमने उनको कहा कि गांधी सेना की तरफ से मेरी बैठ निशानी है, मैं आधार के लीडर नगर जीत कर आया, मैं क्या करूंगा,
हमारे पास आसन गांव से लेकर मुरबाड़ तक नेचुरल रिसोर्सेज 150 पहाड़ियां, ये कोकण इलाका है जी। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कोकण की पहाड़ियां है ना, तो उसपे हम कम से कम 2000 पंखे लगाएंगे जी जी। 2000 पंखे लगाएंगे, 2000 पंखे लगाएंगे, 2000 पंखे लगाएंगे। हेलो, यस 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 यस, तो 2000 पंखे लगाएंगे फ्रांस से मंगा के, जिसमें 50% सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है, और 3.5 लाख रुपए डाल करके पंखा आएगा। उन 2000 पंखों से बिजली पैदा की जाएगी और यहाँ से लेके पूना तक, यहाँ से लेके बम्बई तक, यहाँ से लेके पालघर तक, यहाँ से लेके नासिक तक, हमारे पास 20 करोड़ कंज्यूमर हैं जी। हम हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमारी बिजली बेच के कयामत तक के लिए भिवंडी की बिजली फोकट में कर देंगे, फ्री में कर देंगे। हमको गवर्नमेंट से भी नहीं चाहिए, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे अरब में तेल निकला, उन्होंने किसी को तेल लगाया कि हमारी मदद करो, भिवंडी वासियों को किसी की मदद करने की, किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है जी जी। अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल रिसोर्स दिया है, हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके कयामत तक के लिए बिजली मुक्त करेंगे जी जी। बहुत खूब, गांधी सेना जिंदाबाद, शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। हम पेज की मुबारकबाद देते हैं कि इंशाल्लाह अगर ऐसे ही जज्बात रहे तो किसी न किसी दिन आप पार्लियामेंट के झंडे को सलामी जरूर करेंगे।